मेरा नाम सत्यपाल भार्गव है, हम राजस्थान स्टेट से आए हुए हैं जी। यहाँ पे जो सीसी सरस मेला में जो स्टॉल डाले हुए हैं, जो कारपेट है ये कौन से मटेरियल का है और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे? हमारा जो कारपेट, ये जो जो मैट्स बने हुए हैं, ये जूट और कॉटन कपड़ा से बना हुआ है। ये समूह की जो महिलाएं एसएचजी चल रहे हैं, उनकी महिलाएं करीब 40-50 महिलाएं गरीब काम करती हैं, घर पे बना के लेके आती हैं और उनका बनाया हुआ माल राजीव का द्वारा हम मेलों में बेचते हैं, उनको भी रोज़गार मिलता है उससे। और बोल गए थे, एक बात है कि जो महिलाओं के बारे में बोला, महिला एसएचजीओ के लिए है पर आप तो महिला नहीं है सर, काफ़ी लंबा रहना पड़ जाता है तो महिला आने में थोड़ा हिचकिचाती हैं, घबराती हैं और सर्दी का टाइम है, इस समय गांव में खेती का काम चल रहा है इसलिए महिला नहीं आ पाती हैं, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ता है दूर। बाकी जो हमारे स्टेट में मेले लगते हैं वहाँ पर टोटल महिलाएँ ही जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये जो ये क्या है, कारपेट है या फिर ये मैट है सभी? नहीं, ये डोर मैट्स हैं, कुछ फुट मैट्स हैं, कुछ टेबल मैट्स हैं, कुछ कोस्टर्स हैं, कुछ उसमें सारे तरह के हैं, कुछ अपने प्लांट कवर्स हैं, कुछ बैग्स हैं, उसमें सारी वैरायटी हैं इसमें। अच्छा, ये जो बैग्स है वो भी कौन से मटेरियल का? जूट एंड क्लॉथ दोनों का ही उस बना हुआ है बैग, जूट और कपड़े का ही है। मतलब कि छोटा मैट से बड़ा मैट तक सब कुछ है? हाँ, सब कुछ है हमारे यहाँ से। करीब कोस्टर है 4 इंची से लेकर और 6x6 के राउंड तक है। अच्छा, तो सर इन सब का रेट कितना, प्राइस कितना आता है? हमारा 50 रुपये से स्टार्ट होकर समथिंग 4000 रुपये तक खत्म है लास्ट प्राइस। 50 रुपये वाला कौन सा चीज़ है? टी कोस्टर है जो कि हमारा कप वगैरह रखने के लिए काम आता है, गर्म वगैरह। हाँ, और सबसे बड़ा है जो हमारे पास ये उसका डायमंड मैट्स है जो 4x6 का है, ये 4000 का है। अच्छा। इसमें भी डायमंड वाले दो तरह के डायमंड्स हैं, मैं आपके लिए बताऊँगा। एक ये बड़ा डायमंड्स है, उसके बाद में ये छोटा डायमंड्स है, इसमें भी दो डायमंड्स हैं, सेम साइज है, सेम प्राइस है। और जो वो राउंड का जो है राउंड, इससे बड़ा राउंड है वो, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको ओपन नहीं किया हुआ है, वो फोल्ड करके मैंने रख रखा है। मैं चाहता हूँ कि राजीव वाले मेरे को थोड़ी स्पेस जगह दे दें जिससे मैं पूरा यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर सकूँ, लोगों को दिखे। ऐसा होता है कि ये जो मटेरियल्स है तो ये सब क्या मतलब कि लोग रेगुलरली यूज कर सकते हैं, इसको धो भी सकते हैं? हाँ, सारा हैंड वॉश प्रोडक्ट है, मेरा हैंड वॉश प्रोडक्ट है, इसको हैंड वॉश ही होगा, ये मशीन वॉश करने से जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि मशीन के अंदर जो वो आती हैं गुटियाँ वो ख़राब कर देती हैं। हाथ से आप वॉश कर सकते हो इसको और ये हमेशा बढ़िया लगता है। एक सर्दियों में भी, अभी ये जूट है इसके अंदर वो गर्म रहता है और गर्मियों के अंदर ये जो कपड़ा है वो ठंडा रहता है, दोनों सर्दी गर्मी दोनों चीज़ों में काम आ सकता है, हर मौसम में यूज़ कर सकते हैं इसको आप। अच्छा, इसका लास्टिंग कितना दूर तक रहेगा? वो सर वैसे अब वो तो अपने ऊपर है, वैसे हम क्या है इसको डोर मैट की तरह जैसे यूज़ करते हैं या फ्लोर मैट की तरह यूज़ करते हैं, वो ज़मीन पे रखा रहता है इसको, ना कि हम फेंकते तो है नहीं, तो काफ़ी टाइम तक चलता है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ टाइम तो कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन ये काफ़ी टाइम चलता है फिर भी समथिंग नहीं समथिंग एक दो साल तक तो समथिंग चल जाता है, क्योंकि हर दीपावली वैसे भी लोग बाग चीज़ों को चेंज कर देते हैं, तो हम भी एक साल तो चला ही सकते हैं इसको, एक साल चीज़ पीछे फिर चेंज कर देते हैं लोग बाग। वरना एक साल के बाद आपके पास कौन आएगा अगर नहीं ज़्यादा लाइफ टाइम तक चलाएंगे तो सर हमारा कैसे, 100 लोगों का, गरीब महिलाओं का कैसे रोजगार चलेगा जो महिलाएं हमारे पास काम कर रही हैं। अच्छा, वो जो चीज़ है, वो जो सामने दिखाई दे रहा है, वो उसका मटेरियल कुछ दूसरा लग रहा है? वो टोटल जूट है, उसके अंदर डाई किया हुआ जूट है, वो जो बीच में ब्लैक वाला पट्टी दिख रहा है वो डाई किया जूट है। अच्छा। इसमें एक पैटर्न और बताऊंगा मैं आपको, नया पैटर्न है, एक ये डिजाइन है इसके अंदर, ये तो टोटल जूट नहीं है। हाँ, ये टोटल जूट नहीं है, इसके अंदर कपड़ा है, बहुत डिजाइन रखी हुई है अंदर पर क्या करें डिस्प्ले। हाँ, ये टोटल जूट है, जूट को ज़्यादा टाइम तक जूट नहीं चल पाता है, इसको वॉश करने में भी जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हम इसको कपड़ा मिला के ही बनाते हैं जिससे कम से कम 1-2 साल आराम से चल सकता है ये। अच्छा। हाँ, कपड़ा जल्दी ख़राब नहीं होता है और जल्दी ये खुलेगा भी नहीं, जूट जल्दी ख़राब हो जाता है, जूट को आप बार बार वॉश नहीं कर सकते हो, जूट जल्दी निकल जाएगा, वॉश करने से ख़राब हो जाएगा, बॉबलिंग करने लग जाएगा, इसलिए इसको कपड़ा मिक्स करके नेचुरल जूट मिला के ही बनाते हैं,
ये 2 साल तक आराम से चलेगा। अच्छा, वो बैग को एक लगेगा? हाँ यस, वो ब्लू वाले लगेगा। इस तरीका के हम मल्टी बैग्स बनाते हैं। अभी मैं क्या है, थोड़ा सा टाइम नहीं था मेरे पास, नहीं लैपटॉप पर्स वगैरह हैं, पाउच वगैरह हैं, बहुत सारे आइटम्स में बनते हैं हमारे पास बनने को, तो इसमें। और मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग आएँ, देखें, कुछ नया डिफरेंट लेके जाएं, जिससे कुछ गरीब महिलाओं का भी भला हो। हम इतनी दूर से आए हुए हैं। ये बैग 700 का है, इसमें हम डिस्काउंट करके इसको 500 तक लास्ट दे देते हैं। ये ये एक बैग में इतना बड़ा बैग है तो इसका वजन भी काफी वजन समथिंग, हाँ इसमें 800 ग्राम वजन आता है, क्योंकि जूट और कपड़े में थोड़ा वेट तो आता है, उसकी वजह से इसमें वेट आता है। अच्छा। पर है मजबूत, काफ़ी टाइम चलता है, तो करीब 5-6 साल चल जाता है। इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? वो सारा ग्रुप बनाता है, एक साथ मिल के बनाते हैं, क्योंकि कपड़ा लगा, कोई कपड़ा फाड़ने लग रहा है, कोई चुटिया गुतने लग रहा है, कोई सिलने लग रहा है, कोई ऑल्टर करता है, कोई फिनिशिंग कर रहा है, कोई वर्निंग कर रहा है, मतलब इसको सारा ग्रुप बनाते हैं, 50-40 महिलाओं का ग्रुप है, वो सारा मिलके बनाते हैं, एक आदमी पे तो बनेगा ही नहीं। फिर भी एक बैग के बारे में अगर बताए तो एक बैग बनाने में कितना टाइम लगता है? नहीं, अगर ग्रुप में काम करते हैं तो दिन भर में कम 50-40 बैग बन जाते हैं। अगर एक ही जेंट्स बनाए या लेडीज़ बनाए तो नहीं बन सकता है, क्योंकि वो कपड़ा फाड़ेगा या चुटिया गुथेगा या वो सिलेगा या ऑल्टर करेगा या और फिनिशिंग करेगा या वो वर्निंग करेगा, उसको टाइम नहीं लगेगा, वो तो उसको 5 दिन में जाकर बन गया बैग इस तरीका से। तो अच्छा, और ये बैग के बारे में जैसे कि बोले तो ये मैट वगैरह भी जो बनाने के एक ग्रुप बनाते हैं तो एक दिन में कितना मैट बना? वो तो ग्रुप के हिसाब से है, जैसे हमारा क्या है कि अगर चाहें तो करीब वो हिसाब है कि जैसे बड़ा मैट है या छोटा मैट है, उसके हिसाब से देखा जाता है कौन सा पीस। अब कोई बहुत से पीसेज जैसे डायमंड्स है, ये इसमें बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये डिब्बियाँ सारी अलग अलग बनाई जाती हैं, उसके बाद में टच किए जाते हैं। और जैसे इस वो बड़ा डायमंड और जैसे साधारण है, ये टंगा हुआ ये साधारण है, इसको चुटिया टचिंग करने के बाद में इसको टचिंग किया जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टाइम तो जो डायमंड पीस है इसी को बनाने में टाइम लगता है ज़्यादा। ये बस ऑफलाइन सेलिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन सेलिंग वगैरह भी कुछ है आप लोग का? ऑनलाइन सेलिंग करा था, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, लोग बाग मंगा लेते हैं, मंगाने के बाद में फिर रिटर्न कर देते हैं। अच्छा। इसलिए हमने ऑनलाइन सेलिंग करना ही छोड़ रखा है। ऑर्डर से खाली ये है कि जैसे ऑर्डर चाहिए तो ऑर्डर आ जाते हैं हमारे पास, घर से महिला बनाती हैं और ऑर्डर आएगा उसी हिसाब से बना के भेज देते हैं उनको। मतलब कि हाईएस्ट कितना तक ऑर्डर आता है आपको? समथिंग ये मान लो साल में समथिंग 10-15 लाख का ऑर्डर हमारे पास आ ही जाता है। अच्छा। और मेलों में अच्छी सेलें हो जाती हैं, हर सरस मेला हमें दे देते हैं, राजीव का वाले अच्छी जगह भेज देते हैं, तो उसके जरिए से भी हमें अच्छी कमाई हो जाती है। तो इस बार ये मेले में पहले बार आए हैं या फिर पहले से आए थे? नहीं, पहले इस अगली बार मेरी वाइफ आई थी, लेकिन वो क्या है एक्चुअली 3-4 दिन मेले में लेट पहुँचा था माल, और एक दिन पहले भी कोविड की वजह से बंद कर दिया गया था, तो उनका भी थोड़ा नुकसान ही हुआ था, उसमें इतना कुछ नहीं हुआ इनकम। फिर हम दोबारा आए हुए हैं, अब पहले भी स्पेस नहीं मिला था, अब भी स्पेस हमें कम ही मिला है, हम चाहते हैं कि थोड़ा ओपन में स्पेस मिल जाए तो लोगों को दिखे कुछ। अच्छा। कि कुछ यूनिक चीज़ है कि नहीं है। अब यहाँ क्या है कि कुछ लोग आ नहीं पाते हैं, टोटल एंट्री फर्स्ट गेट से होती है, इधर से बैक साइड से कम आते हैं, तो लोगों को मालूम नहीं है अभी। ठीक है, तो बर्तमान समय जो राजस्थान रो जो भाव कि मैट सब देखुंत बहुत सुंदर सुंदर मैट सब अच्छी, मतलब कि छोट मैट टू लगे कि बहुत बड़ पर्यंत, इवन कि राउंड भी अच्छी, ता सहित बैग्स भी बैग हरिका भी अच्छी, बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर बैग मान भी अच्छी। तेणुक जदि ये एथरक शिशिर सरस मेला को आसुचे निहाती भाव में राजस्थान रो जो स्टल जो पड़ी एठिकी निहाती भाव में आसवे आउ देखिए ये जो खास करके झोट आउप कपड़े जो बनाई जो मेटेरियल आई मैट हो कि कौन से कप प्लेट रखापी से जो स्टैंड हो तो ये सब मेटेरियल भी निहाती भाव गोटे यूनिक रही आस मेला को आसतु आटलिस्ट बुलिकी देखु। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन राजीव सहित अजय कुमार, प्रतिदिन टीवी।